मेरे पास प्याज प्याज देख ले मैंने किस तरह से काटे हुए हैं इन अदरक ओ सॉरी टमाटर और आ, हरी मिर्चों को और अदरक और लहसुन को मैं करूँगी ग्रैंड उसके बाद इमली ये चावल को मैं भिगो के रख दूंगी ये सारी चीजें मैं आपके सामने करूंगी तो मेरे साथ रहिएगा और आप देखिएगा कितनी मज़े की और कितनी आसानी से चिकन बिरयानी बन जाती है मैंने एक कड़ा देचकी ले लिया देचकी में मैंने तकरीबन पाव से डेढ़ पाव जितना घी डाल दिया था उसके बाद मैंने ये चार प्याज डाल दिए हैं इसमें प्याज ज़्यादा बड़े नहीं है मीडियम साइज़ के प्याज हैं जो मैंने चार प्याज लिए थे उसको इसके बाद मैं देखेंगे किस तरह से ब्राउन होते हैं उसके बाद मैं बाकी सारी चीज़ें भी इसमें शामिल करूँगी जब तक प्याज ब्राउन होते हैं तब तक मैंने ये टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया था ग्रेंडर ग्राइंडर में उसके बाद मैंने ये अदरक लहसन का भी पेस्ट बना लिया था और इमली को भी भिगो के रख दिया था उसके बाद मैंने अपनी चिकन को भी धो लिया था ये देखिए प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं इनमें से थोड़े से प्याज मैं निकालूंगी तो क्योंकि ये मेरे बाद में काम आएँगे जब मैं गार्निशिंग करूँगी प्याज मैंने थोड़े से निकाल लिए थे उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट इसको मैं अच्छी से करूँगी मिक्स इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक और लहसुन ये मैंने अदरक और लहसन का पेस्ट भी इसमें शामिल कर दिया है ये जो ये दोनों चीज़ें मैंने ग्रैंड कर ली थी प्याज भी मेरे टमाटर मेरे पास आठ से नौ टमाटर थे तकरीबन बारह से तेरह हरी मिर्चें थी लहसुन मैंने एक गत्ती ली थी और अदरक भी मैंने हाफ़ उससे थोड़ी सी ली थी मतलब एक अदरक की साइज़ जो होती है उससे थोड़ी सी थोड़ी सी उसकी हाफ़ ली थी इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी एक किलो चिकन इन सारी इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी जी नेशनल का चिकन बिरयानी मसाला ये देखें ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब इसके बाद मैं इसमें सारे मसाले शामिल करूँगी ये इन ये देखें ये ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी नेशनल का बिरयानी मसाला एक पैकेट मैंने इसमें शामिल किया है आप अगर आप दो किलो बना रहे हैं तो आप इसमें दो पैकेट शामिल कर सकते हैं क्योंकि मैं वन तीन पाव मेरे चावल हैं और वन केजी मेरे पास चिकन है तो मैंने इसमें सिर्फ एक पैकेट ही डाला है इसके बाद मैं इसमें बाकी सारे मसाले भी शामिल करूँगी क्योंकि मुझे बिरयानी स्पाइसी पसंद है तो मैं इसमें बाकी मसाले भी शामिल करूँगी जिससे उनका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ये जी मैंने तकरीबन एक चम्मच जितनी लाल मिर्च डाली है इसके बाद बाकी सारे जो मसाले हैं जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं वो डालूँगी हल्दी शामिल कर दी है मैंने अब ये देखें इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी सूखा धनिया सूखा धनिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सूखा धनिया की जो खुशबू होती है ना वो भी बहुत मज़े की होती है ये देखें अब मैंने इसमें सूखा धनिया नमक हल्दी नमक मैं इसमें शामिल करती हूँ पहले मैंने इसमें शामिल किया है लाल मिर्च हल्दी सूखा धनिया इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी नमक नमक आप देखें थोड़ा इस तरह से डालिएगा ताकि ज़्यादा ना हो जाए क्योंकि नमक हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं अगर ज़्यादा हो गया तो कम करने में मसला होता है अगर कम होते हैं होता है तो हम उसको फिर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं इसके बाद ये देखें कितना प्यारा कलर लग रहा है इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी जी नमक और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन दस मिनट के लिए ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से हो गई हैं जी मिक्स सारी चीज़ों को हम कर लेंगे जी अच्छी तरह से मिक्स ये देखें दस मिनट के कवर के बाद ये जी कुछ इस तरह से इसकी शक्ल है क्योंकि टमाटर ऑलरेडी ग्रैंड थे और हरी मिर्चें भी ग्रैंड थी अदरक लहसन ये सारी चीज़ें ग्रैंड थी तो ये देखें ये घी किस तरह से निकल आया इसमें से और ये चिकन भी ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है ये गली हुई है इसके बाद जब ये घी निकलना शुरू हो जाएगा तब इस स्टेज पे आपने इसमें शामिल करनी है इमली इमली से जो है एक बहुत स्पेशल इंग्रेडिएंट है आपकी बिरयानी में जो ये खटास होगी खट्टापन होगा वो इमली से आएगा ये देखेंगे बिल्कुल हमारा जो मसाला है फॉर द बिरयानी इज़ रेडी बहुत मज़े का है ये देखेंगे जी मेरा फर्स्ट स्टेप ऑफ बिरयानी इज़ रेडी नाउ आई एम गोइंग टू वर्ड्स माय सेकंड स्टेप ये मैंने एक देचकी में पानी ले लिया है इसके बाद मैंने इसमें एक चम्मच घी शामिल किया है और थोड़ा सा गरम मसाला शामिल किया है जब तक ये बॉईल होंगे इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी जी राइस ये मेरे पास तकरीबन तीन पाव जितने चावल थे जो मैंने तकरीबन इनको आधा घंटा से चालीस मिनट हो गए थे मैंने इनको भिगो के रखा था अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जी चावल चावल मैंने बिल्कुल कहीं पे उतारने यानी मैंने बिल्कुल ज़्यादा गलाने नहीं हैं कनी पे उतारूँगी ताकि चावल जो हैं टूटे ना तो ये देखें मेरे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं ये मैंने बॉईल करके एक छन्नी में या आप आपसे कह लें इसमें निकाल ली हैं अब मैं लगाऊँगी चावलों की लेयर्स ये मैंने एक देचकी ले ली थी उसके बाद मैंने अपने चावल इसमें डाल डालना शुरू कर दिए थे ये मैंने चावल डाल लिए हैं इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी मसाला यानी जो आ, सालन कह लें मसाला कह लें जो चिकन का हमने मटेरियल बनाया था वो मैं अपना इसमें शामिल करूंगी ये देखें ये सारे का सारा मसाला मैं इसमें शामिल कर दूँगी कितना मज़े का लग रहा है ना मेरे मुंह में देख के ही पानी आ रहा है होप आपको ये सब वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा आई नीड योर सपोर्ट गाइज क्योंकि इन सारी वीडियोस को बनाने में बहुत एफर्ट लगती है तो होप आप सबको ये अच्छी लगे और आप प्लीज़ मुझे आ, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा नाव इसकी ये आ, मैंने मसाला जो है डालने के बाद इसके ऊपर वाली लेयर भी आ, पे भी राइस डाल दिया अब इसमें जो प्याज मैंने निकाले थे आ, फ्राई करते वक्त वो भी मैं इसके ऊपर शामिल कर दूँगी और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी जरदा रंग जरदा रंग भी मैंने उसको भी बैटर बना के मैंने रख दिया था यानी जरदे रंग में थोड़ा सा पानी डाल दें नींबू डाल दें जो आपका दिल करे आप इसमें डाल दें और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैं ज़रदा रंग शामिल कर रही हूँ आप थोड़ा थोड़ा सा डालना है आपने बिल्कुल ज़्यादा नहीं शामिल करना क्योंकि ये सिर्फ आपके चावलों में कलर देगा बिरयानी का जो टेक्सचर होता है ना असल वाला वो इसी से आता है सो हेयर वी आर आफ्टर द दम मैंने तकरीबन पंद्रह मिनट का दम दिया था हल्की आंच पे और ये है मेरी बिरयानी आफ्टर द मिक्सिंग बिल्कुल रेडी है होप यू लाइक इट थैंक यू सो वेरी मच